अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लाहौर का एक रैंडम व्लॉग बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह बनाया जाता है। लाहौर के अंदर अगर आप पूरा टूर करना चाहते हैं तो आपके लिए बसें मौजूद होती हैं, जैसे कि साइट सीन लाहौर। और हम शाही के लिए लाहौर से बाहर आ रहे हैं। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है। लेफ्ट साइड पे शाही किला है और आप देख सकते हैं मैं बहुत ही थक चुका हूँ। वो दूर आपको इलामा इकबाल का मज़ार नजर आ रहा है। शाही किला तो बहुत ही बड़ा था, मेरी तो वॉट लग चुकी है। मुगलों ने बाग बहुत अच्छे बनाए थे। यहाँ पे उलमा एकेडमी भी है जिसमें बहुत ज्यादा किताबें होती है। अलामा इकबाल के मजार पे बहुत बड़ी लाइन है, इसलिए मैं इस फिलहाल अंदर नहीं जा रहा। और ये मैं बादशाही मस्जिद के सामने पोल बना के खड़ा हूँ। अब हम बादशाही मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है मस्जिद से बाहर निकालने होते हैं। वाओ, इतना हसीन मंजर, फिर तो तस्वीर बनती है ना। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से इस मस्जिद का भी शुमार होता है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खास तबर्रुकात भी पड़े हुए हैं। यहाँ से लोग तबर्रुकात को देखने के लिए दाखिल होते हैं। यहाँ पे अक्सर स्कैम होने का खतरा रहता है, इसलिए बच के रहना। अजान का वक्त शुरू हो गया है तो जाते जाते मैं कुछ यादगार तस्वीरें बना लूँ। मजबूत शाही किला और उसके ऊपर हमारा सब्ज हिलाली परचम, दिल खुश हो गया। दिन के 2 बजे का वक्त है लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा आवाम का रश है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वीकेंड पे मत आइए, बहुत रश होता है, आप लोग वीकडेज में आया करें। ये सिखों का गुरुद्वारा है। बच्चों के लिए एक ट्रेन का भी बंदोबस्त किया गया है। किले का बैरूनी मंजर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर जैसा हम आदा सिर्फ।